फिर 1920 सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद स्वराजस्ट आए. स्वराजस्ट कौन थे? इनको लीड करते सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान. सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान. अजमल खान, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान. फिर उन्होंने बोला हम बॉयकॉट जो हम कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको बंद करते हैं. बॉयकॉट नहीं करते हम, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही जाके या तो उनको एंड करते हैं या अमेंड करते हैं एंड अपोज करते हैं. अगर गवर्नमेंट हमारी डिमांड को नहीं सुनता तो सोचते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ही हम अपने जाके डिमांड रखें. तो उसने बोला कि हम पॉलिटिकल स्ट्रगल, हम जो जो काउंसिल है उन्हें पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरह यूज़ करेंगे. और उन्होंने बोला कि हमें जो लोग सपोर्ट करते हैं कि हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करके हमें मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें बोलते थे स्वराजिस्ट. फिर आते हैं नो चेंजर्स. नो चेंजर्स ने अपोज किया काउंसिल एंट्री. तो नो चेंजर्स ने अपॉइंट किया काउंसिल एंट्री, बोलते थे नहीं जाना चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव करना वर्क करना चाहिए, बॉयकॉट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को जारी रखना चाहिए. तो वो बोलते थे कि हम जो सस्पेंडेड सिविल डिसऑबिडियंस प्रोग्राम है ये ऑल्सो एडवोकेट क्विट प्रिपरेशन, कि हम सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट प्रोग्राम को हम लोग अच्छे लेवल पर चलाएंगे, उसके प्रोग्राम उसको करते हैं. तो ये जो नो चेंजर्स थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी एंड मोहम्मद आमिर अंसारी. तो इसमें थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी एंड मोहम्मद आमिर अंसारी. इनको बोलते थे नो चेंजर्स, जो नहीं चाहते थे काउंसिल में एंट्री करना, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहते थे, काम करना चाहते थे नेक्स्ट सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के लिए. फिर क्या था, गया सेक्शन सेशन होता 1922 में. तो स्वराजिस्ट का प्रपोजल था कि काउंसिल में एंट्री करो, वो फेल हो जाता है. तो जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू की बात नहीं मानी, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू रिजाइन कर देते हैं. तो मोतीलाल नेहरू कौन थे? सी आर दास तो प्रेसिडेंट थे एंड मोतीलाल सेक्रेटरीशिप से रिजाइन कर देते हैं. तो मोतीलाल सेक्रेटरी साहब एंड सी आर दास प्रेसिडेंट थे, तो रिजाइन कर देते हैं और अपनी एक पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. तो खिलाफत क्यों? क्योंकि खिलाफत वाले लोग भी जुड़ गए थे आके, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1922 में वापस ले गए थे, तो वो भी जुड़ गए, वो भी काउंसिल में एंट्री चाहते थे. तो कुछ खिलाफत लीडर्स भी थे. तो सी आर दास फिर सी आर दास वही प्रेसिडेंट बनते हैं एंड मोतीलाल नेहरू ये वन ऑफ द सेक्रेटरी बनते हैं. तो ये सूरत स्प्लिट हो जाता है 1907 जैसा, सूरत स्प्लिट हो जाता है गया में 1922. लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई, उन्होंने बोला कि हम जो काउंसिल में जाएंगे तो गांधी की, तो दोनों ने एक्सेप्ट की गांधी जी की लीडरशिप एज अ यूनाइटेड नेशनलिस्ट फॉर्म. तो एक उन्होंने बोला कि जब आप स्वराजिस्ट हो कांग्रेस का एक फैक्शन ही हो, आप फैक्शन की तरह काम करो, सेपरेट पार्टी मत बनाओ, कांग्रेस के फैक्शन ही की तरह आप एंटर करो काउंसिल में. सो स्वराजिस्ट को अलाउ किया गया कि आप कांग्रेस के अंदर काम करो, तो यू कैन वर्क एज अ ग्रुप विद इन द कांग्रेस. सिर्फ एक ओनली डिफरेंस था कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन करेंगे, तो कांग्रेस के अंडर ही थे बस. जो स्वराजिस्ट थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन करेंगे, नो चेंजेस, बाहर काम करेंगे. तो स्वराजिस्ट जो मैनिफेस्टो था अक्टूबर 1923 का, एंटी इंपोरियल टोन था पूरा, एंटी ब्रिटिशर्स थे. तो 1923 का इलेक्शन हुआ नवंबर 1923 और उन्होंने 42 सीट्स मिली आफ्टर 104. तो इलेक्टेड सीट्स में उनकी मेजोरिटी हुई प्रोविंशियल असेंबली में और सेंट्रल प्रोविंसेस में, मेजोरिटी मिली स्वराजिस्ट को. फिर जो स्वराजिस्ट में एक थे विट्ठल भाई पटेल, वो स्पीकर बन गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में. विट्ठल भाई पटेल स्पीकर बन गए, स्पीकर बना बहुत बड़ी बात है. विट्ठल भाई पटेल स्पीकर बन गए 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, सेंटर पे जो उसके स्पीकर बन गए विट्ठल भाई पटेल. और उन्होंने काफ़ी फियरी स्पीचेस दी असेंबली में और सेल्फ रूल और सिविल लिबर्टी की बात की. फिर कोलिशन पार्टनर था तो वो कोलिशन बना के अपना आउटवोट कर देते थे, गवर्नमेंट के बहुत सारे वोट को आउटवोट कर दिया इन लोगों ने. एंड इवन ऑन द मैटर जैसे बजटरी ग्रांट, बजट पे भी पावर थी, बजटरी ग्रांट्स और एडजमेंट मोशन, इन पे भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग अपना कोलिशन बना के मेजोरिटी लेके आते थे. फिर उन्होंने डिफीट कर दिया पब्लिक सेफ्टी बिल और 1928. इसमें क्या हुआ था कि जो भी कुछ ब्रिटिशर्स थे, अदर फॉरन एक्टिविस्ट थे जो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते थे इंडिया में, तो ये कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते थे, तो जो भी ऐसे लोगों ने डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा था पब्लिक सेफ्टी बिल ऑफ 1928. इसको डिफीट कर दिया था इन लोगों ने. तो जो भी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडिया फैलाएंगे उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा इन पब्लिक सेफ्टी बिल ऑफ 1928, इसको हटा दिया गया था. फिर इन लोगों की फिर स्वराजिस्ट के बहुत प्रेशर के अंदर इन्हें बिठानी पड़ी मुद्दीमन कमेटी. मुद्दीमन कमेटी 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में जो डिफेक्ट था उसको रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने बिठाई, उसमें डिफेक्ट देखने के लिए क्या कमी रहेगी उसको, उसके लिए बिठाई मुद्दीमन कमेटी 1990 के उसको देखने के लिए. और उसमें मेंबर थे जिन्ना, जिन्ना मेंबर थे इसे मुद्दीमन कमेटी ने बनाई मुद्दीमन कमेटी.
नो चेंजर्स ने काम किया, आश्रम स्टेब्लिश किए, बहुत सारे यंग मैन एंड वुमेन एक साथ काम करते थे आश्रम्स में। इसमें ट्राइबल्स भी होते थे एंड लोअर कास्ट भी होते थे, लोअर कास्ट। तो जैसे ज्यादातर खेड़ा में, खेड़ा और बारदोली एरिया, तो खेड़ा एंड बारदोली एरियाज में काफ़ी ज़्यादा आश्रम इस्टेब्लिश हुए। लोअर कास्ट से भी ट्राइबल्स लोग भी होते थे यहाँ पे। चरखा और खादी को पॉपुलराइज किया, चरखा एंड खादी को पॉपुलराइज किया इंडियंस ने। नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज खोले नो चेंजर्स ने। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काफ़ी काम किया उन्होंने। अनटचेबिलिटी को हटाया, अनटचेबिलिटी को, और फॉरेन क्लोज को बॉयकॉट किया, फॉरेन क्लोज को और लिकर को। एंड फ्लड रिलीफ के लिए काम किया, फ्लड रिलीफ एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। ये बैकबोन बने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, जो अंग सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट बनेगा, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क किया है स्वराज नो चेंजेस ने, वो बैकबोन बने उसका। राज पार्टी की पोजीशन वीक हो गई क्योंकि वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स होने लगे, कम्युनल राइट्स इसको रोक नहीं पाए। फिर स्वराजिस्ट के अंदर स्प्लिट हो गया, एक रिस्पॉन्सिविस्ट थे, एक नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे। रिस्पॉन्सिविस्ट बोलते थे एक बार हम काउंसिल में आ गए, अब हम ब्रिटिशर्स की कोई हेल्प नहीं करिए। नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे, अब हम ब्रिटिशर की कौन हेल्प नहीं करें। रिस्पॉन्सिव बोलते थे कि हमें अभी और पोजीशन लेनी चाहिए, बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए, तो रिस्पॉन्सिविस्ट थे। फिर मद्रास प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस में बनी थी मद्रास प्रोविंस स्वराज पार्टी। इस्टेब्लिश हुई थी 1923 में बाई एस सत्यमूर्ति एंड एस श्रीनिवासा, एस सत्यमूर्ति एंड एस श्रीनिवासा, एस सत्यमूर्ति एंड एस श्रीनिवासा। अब ये 1935 में जो मेन कांग्रेस पार्टी उसे मिल जाती है, ये मद्रास प्रोविंस स्वराज पार्टी बाद में 1935 में मिल जाती है। किसने एस्टेब्लिश किया, एस सत्यमूर्ति एंड श्री एस श्रीनिवासा। लॉर्ड एलन आए थे 1926-31 में, 1926-31 में। इन्होंने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया, इनके टाइम में हुई 1928 में। रिजोल्यूशन पास हुआ था 1929 में, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन लाहौर में पास हुआ था इनके टाइम 1929 में, लॉर्ड एलन के टाइम था। फिर सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट इनके टाइम लॉन्च हुआ। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930s में इनके टाइम में थी। फिर गांधी इम्प्रिंट पैक्ट, गांधी इम्प्रिंट पैक्ट 1931 फिर उनके टाइम होता है। कहाँ से रही थी, 1926 टू 1931।